एक्टर्स आई थिंक दिस इज़ वेरी स्पेशल एंड वेरी गुड कि ग्लैमर भी है और थोड़ा बहुत क्रिकेट भी है और इट्स लॉट ऑफ फन. आप भी आपके क्या कमेंट कर देंगे? आई एम रियली ग्लैड दैट टीवी हैज रीच्ड दैट लेवल वेयर दे आर इंट्रोड्यूसिंग सो मेनी न्यू थिंग्स एंड वी एक्टर्स विद एक्टिंग एंड विद आवर वर्कलोड्स वी गेटिंग अ चांस टू यू नो प्ले एंड मेक अ बॉन्ड्स गुड विद अदर एक्टर्स एज वेल. सो दिस इज समथिंग रियली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ. और इंडिविजुअल के तौर पे कितनी पैशनेट है क्रिकेट के लिए या क्रिकेट प्लेयर्स के लिए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. इनफैक्ट माय डैड वाज अ क्रिकेटर व्हेन ही वाज इन हिज यंग डेज. ही हैड प्लेड रणजी ट्रॉफी फ्रॉम यूपी. सो आई एम ग्लैड दैट टुडे आई एम प्लेइंग क्रिकेट एंड ही वाज वेरी हैप्पी जब उन्हें पता चला दैट आई वुड बी प्लेइंग क्रिकेट. सेम इवन माय मॉम वाज वेरी हैप्पी कि एज अ चाइल्ड आई वाज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स. आई एम बैडमिंटन प्लेयर एंड आई एम अ स्विमर एज वेल. सो शी वाज वेरी हैप्पी व्हेन शी गॉट टू नो कि ओके फाइनली बी प्लेइंग क्रिकेट. तो हाउ विल यू फॉलो द बीसीएल? आप जाइएगा मैच में शिरकत कीजिएगा, हर मैच को फॉलो कीजिएगा? जी बिल्कुल. अभी हमने प्रैक्टिस मैच किया था तो उसके अंदर हम सब लोग गए थे और सब ने खेला था और बहुत ही टीम स्पिरिट के साथ खेला था. दिस इज़ द फर्स्ट सीजन वेयर आई वुड बी प्लेइंग बीसीएल एंड लास्ट सीजन आई वाज जस्ट पार्ट ऑफ टीम. जो टाइम नहीं मिल पाया था शूट की वजह से, बट दिस इज़ द फर्स्ट सीजन एंड आई एम रियली ग्लैड दैट अजय मेड मी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई एम श्योर दैट लखनऊ नवाब्स विल रॉक. कितना इनोवेटिव और कितना एंटरटेनिंग है बीसीएल का कॉन्सेप्ट? आपसे जानना चाहूंगा. बीसीएल का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई मीन सेलिब्रिटीज क्रिकेट, सेलिब्रिटीज क्रिकेट गर्ल्स और यू नो ग्लैमर फैक्टर है और इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत इंटरेस्टिंग है असल में ये बीसीएल का कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें गर्ल्स भी खेल रही हैं और गर्ल्स का भी जो पार्ट है बहुत ही इक्वल है जितना बॉयज़ का है. तो इसलिए और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि गर्ल्स जो है वो गेम चेंजर हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं एक साथ. फन होगा, गली क्रिकेट होगा और कितने अच्छी तरह से पूरे रूल्स को फॉलो करके गली क्रिकेट हो सकता है. एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ लखनऊ नवाब, प्राउड मोमेंट फॉर यू? प्राउड मोमेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि दोस्त की टीम है. दोस्त की टीम है. हाँ, दोस्त की टीम है. प्राउड मोमेंट है क्योंकि अपने अंदाज में खेलेंगे. लखनऊ की टीम जैसे हम लखनऊ का पूरा अंदाज है कि नवाबी स्टाइल में खेलते हैं. तो पहली नई टीम है तो नई टीम का पार्ट होना. पिछली बार हम लोग दूसरी टीम से खेल रहे थे, इस बार लखनऊ की टीम से खेल रहे हैं. तो ऑफकोर्स अच्छा मोमेंट है. हम लोग कोशिश करेंगे कि लखनऊ नवाब्स को हम और ऊपर जितना लेके आ सकते हैं वो लेकर आए. एंड लास्टली, हु विल बी द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर आपके हिसाब से? कौन रहेगा? आई थिंक द चेन्नई टीम. चेन्नई टीम, बिकॉज़ द गर्ल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग. चेन्नई टीम एंड द दिल्ली टीम जो लास्ट ईयर के विनर्स थे, वो दोनों टीम से थोड़ी स्ट्रांग है. बट हम लोग कोशिश करेंगे हम उनसे भी अच्छा खेलें और ट्रॉफी हम ही लेकर आए. कहना चाहूँगा बीसीएल का ये कॉन्सेप्ट कितना इनोवेटिव, कितना एंटरटेनिंग है आपके लिए? देखो, मैं भी फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ और लास्ट सीज़न नहीं खेल पाया था, लेकिन अभी प्रैक्टिस शुरू करी है. परसों हमने प्रैक्टिस मैच खेला है तो इट्स वेरी एंटरटेनिंग. कम से कम 200-250 सेलिब्रिटीज़ हैं और जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत मज़ा आएगा. हमें देखा है डेली शोज में काम करते हुए. अब हम पब्लिक को दिखाएंगे कि हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं. कहना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है और कैसे प्रमोट होना चाहिए, मतलब आगे कैसे और बिगर एंड बेटर होना चाहिए फ्यूचर में? देखिए, प्रमोशन तो चल ही रही है. ये पहला इवेंट है और इसके बाद हम शायद लखनऊ जाएंगे अपनी टीम को प्रमोट करने के लिए. वेबसाइट का लॉन्च है आज, तो प्रमोशन तो एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही है. बाकी कलर्स भी आ रहा है तो नंबर वन चैनल है, तो वैसी प्रमोशन हो गई. फिर एकता कपूर, बालाजी टेलीफिल्म्स का बहुत बड़ा हाथ है, तो आई थिंक इट्स गोइंग ऑन द राइट ट्रैक. लास्ट ईयर सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन रहेगा इस टीम, मतलब इस मैच में? देखो, सुनने में आया है कि दिल्ली की टीम बहुत अच्छी है, चेन्नई की टीम बहुत अच्छी है और हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं. हमारी टीम भी बहुत बैलेंस्ड है, अच्छे बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, फील्डर्स हैं. तो जो भी होगा टक्कर का होगा और लखनऊ नवाब टीम है, सब कुछ नज़ाकत से ही किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें और एंटरटेन करें पब्लिक. यार मुझे तो इनोवेटिव लगा, एंटरटेनिंग लगा, तभी मैंने टीम खरीद ली. okay. है ना. और एक्चुअली मतलब टेलीविज़न के इतने सारे स्टार्स एक साथ एक मंच पे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो क्रिकेट मतलब पूरा देश क्रिकेट के पीछे पागल है, पूरी दुनिया एक्चुअली. तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का है और इसी कॉम्बिनेशन ने मुझे अट्रैक्ट किया और एक्चुअली सारे टीवी एक्टर्स जितने भी हम लोग हैं सबको अट्रैक्ट किया. तो टीम इन्वॉल्वमेंट किसका किया आपने, अपने क्लोज फ्रेंड्स का या और नाम बता सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं? नहीं नहीं, अभी सिर्फ हमारी वेबसाइट एक हमने लाइव की है आज. हमारी टीम का पूरा मतलब पूरे फेसेस एंड पूरी जर्सी लॉन्च होगा, उसके लिए आप सबको बुलाया जाएगा. ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि क्रिकेट इज़ वेरी फेमस एंड इट्स वेरी फेमस इन इंडिया, ऊपर से टेलीविजन स्टार्स आर ऑल्सो वेरी फेमस इन इंडिया. तो दोनों के
इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट हम लोग ज़्यादा फेमस इंडिया में है बिकॉज वी आर डूइंग दोज नेशनल शोज. सो दोनों का कॉम्बिनेशन टुगेदर इज़ रियली गुड. तो लोग ये इंटरेस्ट से भी देखेंगे, अरे वो एक्टर कैसे खेल रहा है, और क्रिकेट के इंटरेस्ट से भी सब देखेंगे. और कंपटीशन का भी ह्यूज है, काफी सारी टीम्स है, काफी सारी टीम्स है. कंपटीटर कौन सा होगा अगर देखा जाए तो? वैसे तो हम किसी को कंपटीटर नहीं मानते, हम अपने आप में ही द बेस्ट है. हां फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंपटीशन में है, सब टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं और सब टीमें बहुत मन लगा के तैयारियां कर रही हैं, तो देखते हैं कि कौन किसके प्लेयर्स अच्छे निकलते हैं. हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं. वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी थिंक वी आर द बेस्ट.